नमस्कार, कर्मायोधा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्मायोधा के यूट्यूब चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट्स को अपनी डाइट में कौन कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। किडनी प्रॉब्लम में एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने की सलाह दी जाती है। वैसे किडनी प्रॉब्लम के मेनली दो रीज़न होते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज शामिल हैं। इसलिए इनको कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों को कंट्रोल में रखें तो हम किडनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने फूड डाइट में कुछ चीज़ों को अवॉइड करें तो आप किडनी प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करना होगा, साथ ही अपनी डाइट में शुगर और नमक के कंजप्शन को कंट्रोल में करना होगा या लिमिटेड अमाउंट में ही लेना होगा, जिससे किडनी प्रॉब्लम का रिस्क कम हो जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही फूड प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो आपके किडनी को ख़राब कर सकते हैं। फर्स्ट है सोडा। सोडा में कोई भी न्यूट्रिएंट्स फ़ायदेमंद नहीं होते, इसकी शुगर के साथ पैकिंग की जाती है। सोडा का ज़्यादा सेवन करने से ये आपकी बॉडी में कैलोरीज को बढ़ा देता है, जिससे आपका वेट बढ़ सकता है। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स में 152 कैलोरीज होती हैं। वहीं कुछ रिसर्चर्स ने सोडा को ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टीथ प्रॉब्लम्स का एक मेन रीज़न बताया है। सेकंड है एनिमल प्रोटीन का सेवन कम कर दें। ज़्यादा एनिमल प्रोटीन, रेड मीट, पोल्ट्री, एग्स और सी फूड का सेवन करने से बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है, जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम का कारण होता है। हाई प्रोटीन का सेवन करना हमारी बॉडी में साइट्रेट लेवल को कम करने लगता है, जो हमारे यूरिन में स्टोन्स को बनने से रोकने में हेल्प करता है। अगर आपको स्टोन प्रॉब्लम है तो मीट का सेवन बंद ही कर दें। ऐसा करना आपको हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाएगा। थर्ड है मक्खन, जो नॉर्मली एनिमल मिल्क के फैट से बना होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट और कैलोरीज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वैसे मार्गारिन एक तरह का नकली मक्खन होता है, जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का फैट होता है। लेकिन इसे मक्खन का बेहतर ऑप्शन नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होता है। फोर्थ है किडनी प्रॉब्लम में प्रोसेस्ड डेली मीट का सेवन बंद कर देना चाहिए। आप अपनी फूड डाइट प्लान में बॉल्गना और हैम को भी निकाल दें। प्रोसेस्ड डेली मीट में सोडियम और नाइट्रेट मौजूद होता है, जो कि आने वाले टाइम में कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों का रीज़न बन सकता है। आप बॉइल्ड या ताज़ा भुना हुआ चिकन का सेवन कर सकते हैं, जिसमें सोडियम कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिफ्थ है फ्रोजन फूड प्रोडक्ट। फ्रोजन मील्स को पैक करते टाइम उसमें शुगर और सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशेंट्स को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सभी फ्रोजन मील्स को पैक करने में शुगर और सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अगर आप कभी भी फ्रोजन मील्स को ख़रीदते हैं तो उसका लेबल एक बार ज़रूर चेक कर लें। आप फ्रोजन फूड में उन्हीं प्रोडक्ट का सेवन करें जिसमें शुगर और सॉल्ट का अमाउंट कम से कम हो। अगर आप अपनी सेहत और किडनी का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप फ्रोजन फूड प्रोडक्ट खरीदने की बजाय आप ताजे फल और सब्जियों का सेवन कीजिए। सिक्स्थ है प्रोटीन। किडनी खराब होने का एक मेन कारण प्रोटीन की मात्रा का बढ़ना होता है। हम दिन भर में प्रोटीन किसी न किसी फॉर्म में लेते रहते हैं, और ये प्रोटीन सेल्स और फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेवन्थ है सोडियम। एक छोटा चम्मच नमक दिन भर के लिए काफ़ी है। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड में ज़्यादा सोडियम और प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। आपको बता दें कि 2 ग्राम नमक में 400 मिलीग्राम सोडियम होता है। किडनी को ब्लड से सोडियम को फिल्टर करने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिससे किडनी खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। 8th है पोटेशियम। किडनी की कुछ बीमारियों में पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि एक सीरियस सिचुएशन बना सकती है। खाने में पोटेशियम की मात्रा बीमारी के स्टेज या लेवल को देख तय की जाती है। उसी तरह फॉस्फोरस लेना हमारी किडनी फेल होने का रीज़न बन सकता है। साथ ही इससे बोन प्रॉब्लम्स या हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसका कंजप्शन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही करें। लास्ट है कैफीन। ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी या दूसरे कैफीन वाले ड्रिंक्स पीने से किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा कैफीन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर का एक मेन रीज़न है। कैफीन के साथ साथ अल्कोहल की कंजप्शन को भी बंद कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो अपनी इस बुरी आदत को बदलें, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारी किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। तो यह थी कुछ किडनी प्रॉब्लम्स में अवॉइड करने वाले फूड्स के बारे में जानकारियाँ, जिसे आप ध्यान रखकर अपनी किडनी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं या उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्मायोधा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।
कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, या जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।